एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध की बताई हुई ध्यान विधि को अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके लिए क्या करें। बुद्ध के बताए हुए उपदेश बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, पढ़ने में प्रेरणादायी हैं, मगर जब जीवन में उतारने की बात आती है तो इस संसार के रोजमर्रा के दैनिक कामकाज करते हुए उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारे बिना हम बुद्ध की ध्यान विधि को कर पाएंगे? क्या हम बुद्ध की ध्यान विधि के द्वारा निर्वाण के मार्ग पर चल पाएंगे? यह एक लंबा प्रश्न है और इसमें एक साधक की, एक जिज्ञासु की और एक साधु जो इस मार्ग पर चल रहा है उसके वह सब प्रश्न सम्मिलित हो जाते हैं जिनसे वह जूझ रहा होता है अपने दैनिक जीवन में। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं, और जब हम अपने जीवन पर नजर मारेंगे, अपने जीवन को जो हमने अब तक जिया है और जो हम आगे को जिएंगे और जो हम समस्त लोक में देखते हैं, जो हम समस्त लोक के द्वारा जिया गया जीवन और जिया जा रहा जीवन देखते हैं, अगर हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन है तो हमें इस संसार में दुख के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। हमने कभी अस्पतालों पर नज़र नहीं दौड़ाई, या अभी कभी हमने अस्पतालों का विजिट भी किया हो, अस्पताल में हम गए भी हों, तो हम अपने दुख से ही इतने दुखी थे कि हमें कभी ऑब्जर्वेशन का मौका ही नहीं मिला। कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही दुखी हैं और अस्पताल में पहुँचे हैं, यहाँ बहुत से दुखी लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ बहुत से दुखी लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ बहुत से दुखी लोग चोरी, मिथ्याचार, झूठ बोलना, अकुशल कर्मों को करना, अपशब्द बोलना, मिथ्या दृष्टि से चिपटे रहना आदि कार्यों में लगे हैं, ईर्ष्या में लगे हुए, घृणा करने में लगे हुए, द्वेष और अपनी तृष्णा को किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक पहुंचकर पूरा करने में लगे हैं। और अगर हम और गहरे में नज़र डालेंगे तो हमें इस संसार में जिनके समान हम बनना चाहते हैं, जिन राजा महाराजाओं के समान हम बनना चाहते हैं, जिनकी हम कॉपी करना चाहते हैं, जिन स्टार्स की, जिन आइकॉन्स की हम कॉपी करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, जिन व्यवसायियों की, जिन खूब धनाढ्य और खूब संपत्ति वाले व्यक्तियों की तरह हम बनना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन हो तो हम उनके दुख भी देख पाएंगे कि उनके दुख एक साधारण व्यक्ति से भी ज़्यादा हैं। उनके दुखों का कोई अंत नहीं है, और एक साधारण व्यक्ति जो रोड में रह रहा है, जो खुले आसमान के नीचे रह रहा है, उसके भी दुख उतने ही हैं। दुखों की डिग्री अलग अलग, दुखों का तरीका, दुखों को व्यक्त करने का तरीका, दुखों को भोगने का तरीका, दुखों के भोग अलग अलग हों भला, लेकिन दुख से कोई बचा नहीं। इसलिए बुद्ध ने आर्य सत्य की घोषणा करी कि इस संसार में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। अभी हमने एक बूढ़े की अचलस्त अवस्था को नहीं देखा, जो अब अपने ही हाथ पांव नहीं उठा सकता, और कभी वह अपनी जवानी में न जाने कितनी दौड़ लगाता था, आज वह अपने बुढ़ापे में उस जवानी की याद
को जब वह अपने हाथ पांव से न जाने कितना काम करता था, कितनी दौड़ भाग करता था, उन यादों को याद करने के बाद अब वह पछताता है, रोता है, दुख व्यक्त करता है कि उसको अब इतना दुख क्यों। अब हाथ पांव उठाना मुश्किल है, अब अपना एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है। जीवन की इस लीला को हम अभी समझ नहीं पाए क्योंकि अभी हमारे अंदर वह ऑब्जर्वेशन नहीं जगी, और उस ऑब्जर्वेशन को जगाने के लिए, उस विवेक को जागृत करने के लिए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सद्धर्म का श्रवण करे, अगर कोई व्यक्ति किसी बुद्ध की शरण ले, अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु के बताए हुए उपदेश पर चले, तो उसको एक दिन वह ऑब्जर्वेशन मिल ही जाती है जब वह इस संसार के दुखों को देख पाएगा, दुखों के मूल को देख पाएगा, और दुखों के मूल को देख पाने के बाद इस दुख से मुक्ति का उपाय भी खोज पाएगा। बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्त होया जा सकता है, दुख से मुक्त होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसको बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहकर व्यक्त किया। और इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कैसे किया जाएगा, जैसा कि प्रश्न पूछा गया कि संसार की इन मिथ्या धारणाओं में, संसार की इन व्यवस्थाओं में, संसार में जो कृत्य चल रहे हैं, उन कृत्यों के बीच में किस तरह से बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा जाए। बुद्ध कहते हैं कि 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं, इनका परित्याग करना ही होगा। अब ये 10 प्रकार के कर्म कौन से हैं? बुद्ध 10 प्रकार के अकुशल कर्मों को हमारे सामने रखते हैं, और बुद्ध ही नहीं, बुद्ध के अलावा ईसा ने भी 10 कमांडमेंट्स का जिक्र किया है। 10 प्रकार के अकुशल कर्म जिनसे मनुष्य बुरी तरह से इस संसार में, इस भवलोक में फंस जाता है। बुद्ध ने इन अकुशल कर्मों को 3 प्रकार के कैटेगरी में बताया। पहला शरीर से किए गए दुष्कर्म, दूसरा वाणी से किए गए दुष्कर्म, और तीसरा मन से किए गए दुष्कर्म। इस तरह से 10 प्रकार के अकुशल कर्म बुद्ध ने बताए। शरीर के दुष्कर्मों को बुद्ध ने कहा कि हत्या, चोरी और दुराचार, यह शरीर के द्वारा किए गए दुष्कर्म हैं। वाणी के द्वारा किए गए दुष्कर्म में झूठ, चुगलखोरी, कठोर वाणी और व्यर्थ की बातचीत को बुद्ध ने बताया। और तीसरा, प्राणी हत्या न करना, जीव रक्षा करना, इसको बुद्ध ने मन से किए गए कर्मों की श्रेणी में रखा है। बुद्ध कहते हैं कि प्राणी हत्या न करो, 10 कमांडमेंट्स यानी 10 प्रकार के अकुशल कर्मों में बुद्ध ने प्राणी हत्या नहीं करने को सबसे ऊपर रखा, जीव रक्षा करने को सबसे ऊपर रखा। दूसरा, चोरी मत करो, किसी का माल मत लूटो, हर एक की मदद करो कि वह अपनी मेहनत का उचित मुआवजा पा सके। तीसरा, बुद्ध ने कहा कि अपवित्रता से बचो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करो। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संसार में रहते हुए बुद्ध के उपदेशों का पालन करना मुश्किल है, मुश्किल तो है ही, क्योंकि संसार किसी एक ढर्रे पर चल रहा है, और अगर हम संसार के ढर्रे के हिसाब से चलेंगे तो हमें दुख निश्चित है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि 10 प्रकार के अकुशल कर्मों में तीसरा कर्म है अपवित्रता से बचना।
अगर हम अपवित्र बने रहेंगे, अगर हम अपवित्रता से नहीं बचेंगे, तो फिर हम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। और बिना श्रेष्ठ जीवन के व्यतीत किए हमारा मन शांत नहीं होगा। मन शांत करने के लिए अपवित्रता से बचना ही होगा, और मन शांत होगा तो शरीर शांत होगा, शरीर शांत करने के लिए भी अपवित्रता से बचना होगा, और मन को शांत करने के लिए भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना होगा। बुद्ध चौथी बात कहते हैं कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। सत्य बोलो किंतु विवेक के साथ निर्भय होकर और यथासंभव मधुर स्वर में बोलो। सत्य बोलना इस संसार में मुश्किल है, क्योंकि संसार इसी तरह से चलता है। यहाँ झूठ का बोलबाला है। हम देखते हैं कि यहाँ जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जालसाजी करता है, मिथ्याचरण करता है, हमें लगता है कि वो खूब अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन यह हमारा भ्रम है। हमें उसके जीवन का कोई पता नहीं। हम अपने घर में बैठकर उसके जीवन की कल्पना करते हैं, इस बात से कि उसके पास बड़ा घर है, इस बात से कि उसके बाल बच्चे हैं, इस बात से कि उसके पास गाड़ी घोड़ा है, इस बात से कि वह घूमने के लिए जाता है, इस बात से कि वह बहुत दिखावा करता है, लेकिन हकीकत यह नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य पर चलेगा और विवेक के साथ निर्भय होकर काम लेगा, वह व्यक्ति मन से दुखी नहीं होता। उस व्यक्ति को मन में कोई झांसा नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। वह किसी भी प्रकार के झूठ में जिए गए, डर कर जिए गए जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सत्य बोलना जरूरी है, इसलिए सत्य की राह पर चलना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को अगर निर्भीक होना है, मनुष्य को अगर शांत मन रखना है, तो उसको सत्य की राह को पकड़ना ही होगा, क्योंकि सत्य की राह पर मनुष्य बहुत ज़्यादा आत्मबल से भर जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी जादुई शक्ति, एक ऐसी करामाती शक्ति जिसका कोई भी तोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य बोलने से मनुष्य का मन बहुत हल्का हो जाता है। उसके पास अपने मन को दौड़ाने के लिए कुछ भी नहीं रहता कि वह किसी तरह से अपने झूठ को बचा सके। जो व्यक्ति झूठा होता है, झूठ की राह पर चलता है, उस व्यक्ति को अपने झूठ को बचाने के लिए, उसको फलने फूलने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। उसको मन पर बहुत जोर डालना होता है। उसकी सोचने समझने की ताकत हल्की हो जाती है और पूरे दिन भर वह विचारों में ही चलता रहता है, विचारों की उहापोह में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वह झूठ की राह पर चल रहा है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति निर्भीक होता है, उसको जल्दी नींद आ जाती है, वह स्पष्टवादी होता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि पांचवा अकुशल कर्म, कि किसी के बारे में गलत सलत बातें मत घड़ो और उनका प्रचार भी मत करो। दूसरों के दोष ही मत देखते, दूसरों के दोष ही मत देखते रहो, बल्कि अपने मित्रों के गुणों की ओर भी देखो, ताकि तुम उनके विरोधियों से उनका संरक्षण कर सको। अपने मित्र के गुणों को जिसने देखा, मित्र के गुणों को देखकर अपने जीवन में लागू किया, वही व्यक्ति ऑब्जर्वेशन को समझने वाला होता है, वही व्यक्ति ऑब्जर्वर होता है, वही व्यक्ति लोगों के बीच में रहना चाहता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि छठी बात है कि शपथ ग्रहण मत करो, किंतु तेजस्विता के साथ बातचीत करो। शपथ ग्रहण मत करो का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की
कोई भी कसम लेने की या खाने की जरूरत नहीं। हम किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से कृत्य कर रहे हैं और हमारा बात व्यवहार कैसा है, यह हमें अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने अंदर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कुछ भी आवेश में आकर, वेग में आकर कोई ऐसा कदम उठा लें कि बाद में जिसके लिए पछतावा करना पड़ा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शपथ ग्रहण मत करो कि नहीं, ये मैं कह के ही रहूँगा, ये मैं करके ही रहूँगा। और जब करने की बात आती है, कहने की बात आती है, तो मनुष्य पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं, क्योंकि वह अविद्या से भरा हुआ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शपथ ग्रहण मत करो। और सातवां, बुद्ध कहते हैं कि स्पर्श, बुद्ध कहते हैं कि गप्पे मारकर समय बर्बाद मत करो। समय की बर्बादी करना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बुद्ध कहते हैं या तो मतलब की बात करो या मौन रहो। मौन रहकर ही सत्य की राह पर चला जाता है, मौन रहकर ही ध्यान साधना की जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि गप्पे मार कर बैठना, समय का बर्बाद करना और बातचीत करने के वक्त मौन बनाए रखना अच्छा नहीं है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि ईर्ष्या मत करो। आठवां कमांडमेंट बुद्ध का है कि ईर्ष्या मत करो, जलो मत। दूसरे लोगों को संपन्न देखकर हर्षित होना चाहिए। और दसवां है, नवां है, अपने हृदय में दाह के लिए स्थान न रखो, घृणा न करो, अपने शत्रुओं तक से भी नहीं। बुद्ध का यह वचन बार बार हम पढ़ रहे हैं और इस वचन से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के भोजन को ठुकरा देना, किसी भी प्रकार के खाने को ठुकरा देना मनुष्य के लिए गंभीर हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हृदय में दाह के लिए स्थान मत रखो, घृणा न करो और अपने शत्रुओं तक से भी नहीं, अपने प्राणियों के प्रति करुणाशील बनकर रहो। उसके बाद बुद्ध दसवां वचन कहते हैं अकुशल कर्मों का, कि अपने दिमाग में से अविद्या को निकाल कर बाहर कर दो और सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। विशेष रूप से उपयोगी विषयों के संबंध में ऐसा न हो कि या तो तुम विचिकित्सा के शिकार हो जाओ या मिथ्या धारणाओं की। विचिकित्सा जहाँ एक ओर उपेक्षावान बना देगी, वहीं मिथ्या धारणाएं अपने गलत रास्ते पर भटका देंगी ताकि निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सके। बुद्ध के इन 10 अकुशल कर्मों के संबंध में जो अभी तक हमने बात की है, इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध के उपदेश सुन लेना ही पर्याप्त नहीं, बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। और अकुशल कर्म जब व्यक्ति के दिल में घर कर जाते हैं, जब व्यक्ति आदतन हो जाता है, तब उसको अपने अकुशल कर्मों को छोड़कर कुशल कर्मों की ओर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम कुशल कर्मों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने 10 कमांडमेंट्स हमें दी, 10 अकुशल कर्म हमें बताए, और इन 10 अकुशल कर्मों से बचकर कुशल कर्मों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया। कुशल कर्म क्या हैं? कुशल कर्मों का मूल क्या है? बुद्ध कहते हैं कि अलोभ कुशल कर्मों का मूल है। बुद्ध कहते हैं कि अद्वेष
कुशल कर्मों का मूल है। बुद्ध कहते हैं अमोह कुशल कर्मों का मूल है। यही तीन बातें बैलेंस नहीं हो रही हैं जिनकी वजह से मनुष्य को दुख भोगना पड़ रहा है। और जब मनुष्य अकुशल कर्मों को छोड़ने लगता है तो उसके अंदर विचार जरूर उठता है कि फिर इस संसार में है क्या, सब लोग तो यही कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हो भला, सब लोगों को अपना हिसाब देना होगा। लेकिन सब लोगों का हिसाब हम देंगे ये ज़रूरी नहीं है, हमें तो अपना हिसाब देना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने से बड़े बुजुर्गों की राह में चलने के लिए, उनको राह में आगे को प्रशस्त करने के लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर करना चाहिए। नमो बुद्धाय।